Let us start with the question from the exercise. Beta, question aap dekh rahe hain, question number 8 from the exercise. It is on page number 60. चालू हो जाइए, बुक भी खोल लेने का आपको हमेशा मैंने बोला है, और अगर जो नहीं लाए हो तो मुझे पोस्ट करके बुक भी लेके आइए, नोटबुक लेके आइए, रूलर ये वो सब चाहिए बेटा. रेडी? मैं तैयार हूं जी. क्वेश्चन एक्सरसाइज 8 आपका हो तो चालू कर दूं. फाइन, ये रहा अपना क्वेश्चन. नाना एंड नानी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन प्रोपोर्शन इक्वली. You are required to give the effects of adjustment in profit and loss in the balance sheet with the help of the following information. थोड़ा क्वेश्चन में कुछ देखना जरूरी है. इंश्योरेंस, नो नीड टू टेल एनीथिंग नाउ. लैंड एंड बिल्डिंग एडिशन 20,000 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2018. टोटल लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 दिया बच्चा, टोटल लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 दिया है, टोटल लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 दिया है, उसमें 20,000 का एडिशन अभी हुआ है, जैसे अपने को बोला गया है 20,000 का एडिशन अभी हुआ है. कभी तो के 1 जुलाई, मतलब 30,000 वाला जूना है और 20,000 का एडिशन अभी हुआ है, मतलब अपने पास दो लैंड एंड बिल्डिंग है बच्चा, एक जूना वाला 30 वाला, एक नया वाला 20 वाला. ये मैं क्यों बता रहा हूँ नया जूना, क्योंकि जो जूना है वो तो पहले से हैं, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन फुल ईयर का लगता है बेटा, और ये जो नया है, ये जो नया है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अगर जो तू देखे समझे तो 1 जुलाई से मार्च तक, जुलाई से मार्च, सुनता है ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, दिसंबर तक 6 महीना हो गया, और मार्च यानी एडिशन 3, टोटल 9 महीना हो गया, मतलब नए वाले लैंड एंड बिल्डिंग पे अपने को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है बेटा 9 महीने का. इज इट क्लियर? समझा? मैं वर्किंग करने वाला हूँ लेकिन पहले से थोड़ा बोल के रखता हूँ ताकि तेरे को मजा आवे. चला गए. सैलरी एक्सपोर्ट ड्यूटी जावे प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट फर्नीचर डेटर, क्रेडिट में लेके पिटल नाना नानी, 10% बैंक लोन बच्चा देख, बैंक लोन टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2018, अपना ईयर एंडिंग मार्च, लोन लिया अक्टूबर, अक्टूबर टू मार्च, एग्जाम भी बहुत बार चलता है ना अक्टूबर टू मार्च, 6-6 महीना, तो ये लोन लिया है बैंक से 30,000 का बेटा, इसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन. तो इसका वर्किंग चाहिए तो अभी करके रख ताकि तेरे को अच्छा लगे, क्योंकि देख डेबिट साइड में भी इंटरेस्ट था. हाँ ध्यान रख, डेबिट साइड में 1,000 रुपया इंटरेस्ट ऑलरेडी है और ये बैंक लोन अपन ने लिया है, तो बेटा 30,000 का मेरा लोन है, 10% इंटरेस्ट है और ये इंटरेस्ट 6 महीने का अपने को लेना है, तो ज़रा देख ले, ये इंटरेस्ट अपने को 6 महीने का लेना है, तो मैं वर्किंग कर रहा हूँ तेरे लिए, ज़रा देख ले. बैंक लोन फॉर ₹30,000, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये अपन ने कब से लिया बेटा, तो के 1 अक्टूबर 2018, तो 1 अक्टूबर से लिया ना, तो इंटरेस्ट
फ्रॉम 1 अक्टूबर 18 टू 31 मार्च 19 बोले तो 6 मंथ्स, बच्चा सोच ले, ठीक है, मतलब 30,000 पे 10% 6 महीने का मुझे इंटरेस्ट गिनना है। मैं गिन रहा हूँ तेरे सामने, 30,000 पे 10%, ओरली भी तू कर सकता तो मैं खुश हूँ बच्चा, 6 महीना 6/12, ओरली देखना 30,000 है ना, तो 3,000, 10 निकाला तो 10% मिला ना बच्चा, 3,000 आधा कर 1,500, 6 महीना है ना आधा कर, 6 महीना है ना आधा करना 1,500, फिर भी अभी जिसको ज़रूरत है तो गिन लो बच्चा, 20 ये चले जाएंगे 100 वाले, ठीक है। चल भाई आगे, 6 × 2 = 12 ऊपर है 3,000, ये है 2 ले 1,500 रे, इंटरेस्ट आया 1,500 बच्चा, 6 महीने का बैंक लोन वर्किंग चल रहा है बेटा तेरे सामने इंटरेस्ट के लिए। ऑलरेडी गिवन इन द ट्रायल बैलेंस ऑन द डेबिट साइड मीन्स इट इज पेड ऑलरेडी, इंटरेस्ट पेड बेटा गिवन ऑन द डेबिट साइड, वो 1,000 रुपया देख ले, चेक इट, दिख रहा है क्या 1,000 रुपया, थर्ड लास्ट आइटम, तो ऑलरेडी पेड 1,000, तो 1,500 अपना बनता है, उसमें से 1,000 पे किया, मतलब बेटा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना रह गया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जिसकी मुझे 2 इफेक्ट देना है एंड दैट इज 500, और उसकी 2 इफेक्ट मुझे कैसे देना है तो कि एक इफेक्ट एड टू इंटरेस्ट और दूसरा एड टू लोन, एड टू लोन 2 इफेक्ट देख ले बच्चा, एड टू इंटरेस्ट 500, एड टू लोन 500, दिस इज अ सेल्फ एविडेंट एडजस्टमेंट, समझता है, दिस इज सेल्फ एविडेंट एडजस्टमेंट, पहले तो वर्किंग कर, अमाउंट समझ, 6 महीने का 1,500 आता है, डेबिट में ऑलरेडी 1,000 दिया है, मतलब उतना पे हो चुका है, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट बनता है सिर्फ 500 रुपया, और वो आउटस्टैंडिंग का 2 इफेक्ट तुझे देना है, जिटली जरा वर्किंग कर बच्चा, चल फटफट, ट्रेडिंग के नीचे कर चलेगा, ये क्वेश्चन में ट्रेडिंग ही नहीं है, बहुत बेकार क्वेश्चन बनाया है, आई एम टोटली डिससेटिस्फाइड विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, प्लीज़, ये है और 2-4 है और सबके आंसर है, बहुत बेकार है, चैलेंजिंग है, ये सब लोग ने क्वेश्चन कैसे बना लिया, दिस इज़ नॉट द लेवल टू टीच प्लीज़, ठीक है, अभी हमको तो क्या यही टेक्स्ट बुक से पढ़ाना है बेटा, ऐसे प्रिंसिपली एरर वाले क्वेश्चन नहीं चल सकते। चलो हो गया, चल भाई क्वेश्चन पढ़ना बाकी है, जरा टिक टिक कर ले रे, बैंक लोन पे टिक कर, इंटरेस्ट पे टिक कर, बैंक लोन पे टिक कर, इंटरेस्ट पे टिक कर, आगे चलना रे, क्रेडिट में देख रे, बैंक लोन के बाद क्या है, इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट क्रेडिट साइड है बेटा, दिस इज द इंटरेस्ट ऑन द क्रेडिट साइड, मतलब इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, बिल्स पेबल, लायबिलिटी एज यू नो, बेटा एडजस्टमेंट देख ले अब देख, ग्रॉस प्रॉफिट 34,500, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, एडजस्टमेंट गिव 2 इफेक्ट्स, तेरे को अगले पेज पर लेके जाऊं तो अच्छा लगे, ऊपर दिखाऊं तो देख जरा स्टार्टिंग में क्या दिया, प्रिपेयर यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट, मतलब ट्रेडिंग है ही नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट है, मूर्खता भरा हुआ ये क्वेश्चन है, यूट्यूब पे मेरे लेक्चर लगते हैं, जितने भी प्रोफेसर महाराष्ट्र के, ये जो बुक ने बुक में जिसका भी योगदान है, चैलेंजिंग, HM हितेश मेहता बोलता है, नहीं चला सकता हूँ,
ये मूर्खता भरा क्वेश्चन है आपके, मेहरबानी करके प्रोफेसर के साथ लड़ना नहीं, लेकिन इतना बोल देना कि कोई बोला ये मूर्खता भरा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कभी सेट ही नहीं हो सकता है। क्योंकि ग्रोस प्रॉफिट जब एडजस्टमेंट में दिया है तो यू हैव टू गिव वन इफेक्ट, दैट इज नॉट पॉसिबल, यू मस्ट गिव टू इफेक्ट फॉर ऑल एडजस्टमेंट्स, आइदर नो इफेक्ट और टू इफेक्ट्स। अब यहाँ क्या करना है मुझे मालूम है बेटा, ग्रोस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में छिटकाने का, मतलब एडजस्टमेंट का सिर्फ एक इफेक्ट, असंभव असंभव करना पड़ेगा रे, मूर्खों के गांव में मूर्ख बन के रहना पड़ता है यार। चल बिंदास बेबाक बोलता हूँ, प्रिंसिपल एरर नहीं चला सकता, यानी नहीं चला सकता, प्लीज चैलेंजिंग पॉइंट्स, ठीक है प्रॉफिट एंड लॉस। अभी मैं क्या करूँगा मालूम है, मैं अपनी स्टाइल से जाऊँगा, इन्होंने ट्रेडिंग अकाउंट ना बोला ना फिर भी मैं बनाऊँगा और मैं ग्रॉस प्रॉफिट का दो इफेक्ट दूंगा, ट्रेडिंग में डेबिट में, ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में। बेटा उन्होंने भले कुछ भी बोला है, आई मस्ट गो अकॉर्डिंग टू माई स्टाइल ओनली विच इज़ मस्ट। ट्रेडिंग अकाउंट को मैं बनाऊँगा, भले उन्होंने नहीं पूछा है, ग्रॉस प्रॉफिट भले दे दिया है, दो इफेक्ट देना जरूरी है क्योंकि ये एडजस्टमेंट है, मैं करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। खाली एक इफेक्ट देके आंसर भगा देने का और आंसर आ गया इसलिए खुशी मनाने का, ये बेवकूफ़ी है। यू शुड नॉट फॉरगेट द प्रिंसिपल्स द मैथड। चल ग्रॉस प्रॉफिट का दो इफेक्ट, ट्रेडिंग डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर टू, इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2018। रीड कर रहे, रीड कर बोला तो कर। इंश्योरेंस 15 महीने का विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, जरा देख तो, इंश्योरेंस तेरे को दिया है रे 15,000, अरे वाह सेटिंग है, 15,000 है और 15 महीना भी है ना, अच्छा लगा मेरे को। हाँ तो प्रीपेड फॉर 3 मंथ्स, 15,000 15 महीना, प्रीपेड फॉर 3 मंथ्स, अमाउंट पूछे तो 3,000, 15,000 15 महीना, 3 महीना 3,000 है ना। चलो टिक मार्क करें इंश्योरेंस पे, प्रीपेड लेस फ्रॉम इंश्योरेंस एज यू नो, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 10% ऑन फर्नीचर, 5% टिक मार्क लैंड एंड बिल्डिंग, टिक मार्क फर्नीचर। और अभी रुक इधर बेटा, मुझे डेप्रिशिएशन का तुझे वर्किंग बताना है। लैंड एंड बिल्डिंग का जब भी मैं डेप्रिशिएशन लगाऊंगा, यस इट इज से 10%, बेटा जरा देखना मैं वर्किंग कर रहा हूँ डेप्रिशिएशन का, मैं वर्किंग तेरे सामने कर रहा हूँ, तू भी मेरे साथ कर अच्छा लगेगा, डेप्रिशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। चलो इट इज़ क्लियरली मेंशन, दिस डेप्रिशिएशन वी हैव टू चार्ज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 10%। बेटा एट द रेट ऑफ 10% ठीक है पर एनम, वो भी ठीक है, अभी साल का 10% पर एनम का मतलब टोटल लैंड एंड बिल्डिंग तेरे को कितना दिया जरा देख तो ट्रायल बैलेंस में, टोटल लैंड एंड बिल्डिंग मेरे को ट्रायल बैलेंस में दिया है 50,000 और इसके अंदर क्लियरली बोला है कि एक लैंड एंड बिल्डिंग अपना नया वाला है और दूसरा जूना वाला, नया वाला दिया है जो 20,000 का है बेटा, और ये मैंने कब खरीदा है जी, 1 जुलाई 2018। मतलब इसके ऊपर अपने को डेप्रिशिएशन कितना महीने का लगाना है, डेप्रिशिएशन फॉर 9 मंथ्स और बैलेंस यानी 30,000, ये कोई जूना वाला होगा, इसके ऊपर डेप्रिशिएशन पूरे साल का लगाना है, डेप्रिशिएशन फॉर फुल ईयर, डेप्रिशिएशन फॉर फुल ईयर 10%, ये फुल ईयर के ऊपर तो मेरे को फट से आता है रे, रिमूव 10 रे, तो 30,000 पे हाँ 3,000, और हाँ ये जो 20,000 वाला है उसके ऊपर 10%, 9 महीने का, जरा गिनता हूँ तेरे लिए,
20,000 10% यानी 1-0 निकाल देने का रे डायरेक्ट सीधा, 9 महीने का भी तू गिन सकता है रे, तेरे में दम है तो। 1-0 कट दिखता है क्या? सेकंड 0 कट दिखता है क्या? 3-3 9 3 4 12 ऐसा ऊपर देख 2,000 है, नीचे 4 है रे, उड़ा रे 4 ये 20 4 5 20 2-0 लटका दे आंसर गिन ले रे, 500 × 3 बोले आंसर बोले 1500 मिला क्या आंसर देख, डेप्रिसिएशन का वर्किंग कर कर 1000 तो दोनों का डेप्रिसिएशन मिला के कितना आएगा बंदा? ये नया वाला पा 1500, जूना वाला पा 3000, देयरफॉर टोटल डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 4500। एनी डाउट? वर्किंग कर ले रे, टाइम दिया रे, दो लैंड बिल्डिंग है, नया वाला जूना वाला, 20 वाला 30 वाला, जूना पे फुल ईयर, नए पे 9 मंथ्स, वर्किंग कर ले रे, टोटल डेप्रिसिएशन 4500 आ जा। रेडे चल लैंड बिल्डिंग पे टिक मार, लैंड बिल्डिंग पे टिक मार कर डेप्रिसिएशन, फर्नीचर पे टिक मार रहे डेप्रिसिएशन ले ले 5%। नेक्स्ट देख बेटा, 4 राइट ऑफ 1000 एज बैड डेट्स मेंटेन RDD 5% ऑन डेटर, भैया डेटर मिला क्या? लास्ट आइटम, डू 2 टिक मार्क ऑन डेटर, डू 2 टिक मार्क ऑन डेटर है ना, बैड डेट्स है क्या ऐड कर, चल बैड डेट्स है क्या नहीं है, फ्रेश लिखने का ताज है, ओल्ड RBD भी नहीं है, बैड डेट्स भी नहीं है, तो फर्दर बैड डेट्स को बैड डेट्स बोल लेगा, हाँ ऐसे फर्दर बैड डेट्स हुआ क्योंकि एडजस्टमेंट में, लेकिन लेकिन ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट होना चाहिए था ना, नहीं है तो इसको ही बैड डेट्स बोल। क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही है, फॉर द बैड डेट्स एंड न्यू RBD, अभी ओल्ड नहीं है तो इसको न्यू भी नहीं बोलने का, सीधा RDD बोलने का चलता है, अच्छा वही है। लास्ट क्लोजिंग स्टॉक 34,500 फिर मेरा खोपड़ी घूमेगा ये लोगों के ऊपर। क्लोजिंग स्टॉक टू इफेक्ट ट्रेडिंग क्रेडिट बैलेंस शीट एसेट, यहाँ ट्रेडिंग क्रेडिट तो है नहीं क्योंकि ट्रेडिंग बनाने को बोला नहीं है, तो खाली बैलेंस शीट एसेट, गलत, इट इज एडजस्टमेंट यू शुड गिव टू इफेक्ट्स। बेटा खाली थोड़ा डिटेल में बोलता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक की जरूर एंट्री होती है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, तो इसका 2 इफेक्ट मैं दूंगा, ट्रेडिंग में ये जाएगा, क्रेडिट में मैं ट्रेडिंग का वर्किंग के हिसाब से काम करूंगा, ठीक है। चल भाई लाइन ड्रॉ कर, मेरा लाइन तो तैयार है, देख ले ट्रेडिंग, देख प्रॉफिट एंड लॉस, देख बैलेंस शीट, देख पार्टनर्स कैपिटल भी देख, पटपट लाइन ड्रॉ कर, नानी नाना के नीचे रुपीस लेना, नी के नीचे रुपीस लेना, नाना नानी ले बेटा मैं तैयार हूँ। बैलेंस शीट एज ऑन 30/9/19 वाह वाह, प्रैक्टिस करने का भाई, फोकट की रोटी नहीं तोड़ने का घर पे,
और मोबाइल में मुंह डाल के गेम खेलना, ये वो करना, हल्का आदमी है रे, ये सब नहीं करने का, टाइम पास कभी नहीं करना। द मोस्ट प्रेशियस थिंग इन द लाइफ इज टाइम, ध्यान रखना, मोस्ट प्रेशियस यानी कीमती वस्तु, वो समय होता कभी बर्बाद नहीं करना, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आ सकता। खलास, चल भाई मैं तैयार हूं रे, हाँ ट्रेडिंग अकाउंट वर्किंग के रूप में बनेगा, इन द बुक्स ऑफ इधर लिखता हूँ, ना 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 नाम नहीं दिया बिजनेस का नाम नहीं दिया है, इन द बुक्स ऑफ मैसेज, ना 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 नहीं, वो जो ट्रेडिंग अकाउंट में बना रहा हूँ इट इज वर्किंग, एक वर्किंग अपन ने इधर किया था इंटरेस्ट का, दूसरा वर्किंग अपन ने डेप्रिसिएशन का किया था, नंबर टू, और तीसरा वर्किंग ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है ना इसको मैं वर्किंग के रूप में बोलना चाहता हूँ। अंडरस्टूड, ट्रेडिंग अकाउंट बस चार लाइन का बनाने का, कोई बड़ी बात नहीं, उसके नीचे वर्किंग तूने किया है, अच्छी बात है, जगह का चिंता मत कर, सोचने का नहीं। अरे अगर जो मैं फास्ट हूँ रोक लेने का, पॉज कर लेने का, रिवर्स करने का, यस आई एम स्टार्टिंग माय आंसर प्लीज। चलो द फर्स्ट आइटम इंश्योरेंस, अपना लॉस इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस, टिक मार्क है रे इनर ले रे, टिक मार्क है रे इंटरेस्ट इनर ले रे, यस इट इज 15,000, लीव अ लाइन, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट में आ रहे, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट में आ रहे, वो जो लिखा है लिख ले, एडिशन रुपीज 20,000 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 18, लिव लाइन, लैंड एंड बिल्डिंग, सैलरी, प्रॉफिट लॉस, टिक मार्क नहीं है, आउटर लेना टू सैलरी, 5,000, जरा अमाउंट ठीक से लिखने का बेटा, टोटली हमको ऐसा आपके सामने सीधा ऐसा करने में बहुत तकलीफ भी पड़ता है मगर करना पड़ता है। चल भाई, सैलरी आउटर 5,000, नेक्स्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी 2,500, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंटरेस्ट आज की खास आइटम इनर 1,000, लिव लाइन, नेक्स्ट फर्नीचर, टिक मार्क है रे इनर ले रे, कितना 40, लिव लाइन, नेक्स्ट डेटर
डेटर इनर कितने टिक है दो बबुआ ले तीन चार लाइन भैया डेटर एसेट इनर ले फोर लाइन्स चाल कैपिटल आ जा रहे कैपिटल अकाउंट में ले रहे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन नाना पचास नानी पचास नाना पचास नानी पचास कैपिटल ब्रॉट डाउन आगे चल आज की खास आइटम 10% बैंक लोन लाभ रही beta it is taken on 1 october amount it is 30,000 inner column and self evident adjustment due immediately bank loan likh lab de mein inner mein aur apne working kiya na interest ginela na outstanding kitna zara dekh na ha ट्रेडिंग के नीचू किया था ना वर्किंग के रूप में हाँ ये रहा देख ले बेटा 1,000 रुपया पेड है तो 500 आउटस्टैंडिंग आया था देख ले मिला क्या और इसका दो इफेक्ट हम बोला हूँ ऐड टू इंटरेस्ट ऐड टू लोन चल भाई 500 रुपया ले ले ऐड टू इंटरेस्ट ये रहा outstanding it is 500 total 1500 second effect add to loan liability outstanding interest अमाउंट 30,500 चलो भाई नेक्स्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द क्रेडिट साइड इट इज ऑन द क्रेडिट साइड यू सी एक लाइन छोड़ देना वो जीपी के लिए बाय इंटरेस्ट ले रहे आउटर ले रहे 1500 इंटरेस्ट 1500 नेक्स्ट बिल्स पेबल लाभ रे बिल्स पेबल लाभ रे $8,000 with that you see our trial balance over trial balance over bacha chalo adjustments first gross profit 34,500 हाँ ग्रोस प्रॉफिट मैंने ट्रेडिंग को वर्किंग के रूप में लिया है तू भी इधर लिख ले ग्रोस प्रॉफिट कैरी डाउन 34,500 ट्रेडिंग में
ग्रोस प्रॉफिट आता है एज अ बैलेंसिंग फिगर एज यू नो. सेकेंड इफेक्ट इन प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द क्रेडिट साइड बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन एज यू कैन सी. अमाउंट 34,500. नेक्स्ट इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ्स. चलो इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ्स लेस फ्रॉम इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस यस इट इज 3,000. इट इज फॉर 15 मंथ्स. साल में 12 महीना होता है, ये 15 महीने का, तो 3 महीने का प्रीपेड हुआ बच्चा. आउटर ले 12,000 ले सेकंड इफेक्ट एसेट में आने दे प्रीपेड इंश्योरेंस ले ले प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंट रुपीज 3,000 प्लीज सी. प्रीपेड इंश्योरेंस चलो नेक्स्ट डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 10% एंड फर्नीचर 5%. डेप्रिशिएशन लगा ले रे लैंड एंड बिल्डिंग में से लेस करना रे डेप्रिशिएशन. अपन ने वर्किंग किया ना डेप्रिशिएशन देखना वर्किंग नंबर टू कितना आया था 4,500 दिखता है क्या रे 4,500 प्लीज स्टार्ट लेस फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग वर्किंग टू 4,500 माइनस करके बाहर आ जा माइनस करके बाहर आ जा. एंड डेप्रिशिएशन का सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में टू डेप्रिशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग इनर कॉलम 4,500. चल भाई आगे डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर 5% लेना रे लेस डेप्रिशिएशन 5% बोल रे कितना बोलता है बोल 2,000 आउटर ले रे 38,000 आउटर ले रे 38,000 सेकंड इफेक्ट आ जा रे प्रॉफिट एंड लॉस में लेना रे डेप्रिशिएशन अपने लिखा है उधर ही फर्नीचर जोड़ दे रे फर्नीचर इट इज 2,000 टोटल कर ले बच्चा डेप्रिशिएशन आउटर 6,500 टोटल डेप्रिशिएशन 6,500 लेते जा आगे बढ़ते जा. एडजस्टमेंट नंबर 3 समाप्त 4 चल रे राइट ऑफ 1,000 फॉर बैड डेट्स मेंटेन ऑडिट 5% ऑन डेटर लेस फ्रॉम डेटर दोनों को सावधान लेस फ्रॉम डेटर्स बैड डेट्स
1000 पच्चीस। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस बैड डेट्स इनर 1000। चल भाई चल आरबीडी ले लें, लेस फ्रॉम डेटर, लास्ट डेटर में से लेने का आरबीडी 5%, 25000 में से माइनस कर बच्चा, लेस फ्रॉम 25000 इट इज आरडीडी, इट इज 5%। 10% बोलेगा तो 2500 आधा कर 1250, आउटर चल $23,750। सेकेंड इफेक्ट एड टू बैड डेट्स, एड टू बैड डेट्स आर डी डी 1250 2250। चल भाई क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग क्रेडिट बाय क्लोजिंग स्टॉक 34,500। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट ले क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट एसेट ले 34,500 आउटर लेना रे। चलो 34,500 दैट्स इट। अब आप देख लीजिए इन लोग ने जो गलती किया प्रिंसिपली एरर उन्होंने कैसे सेटिंग किया है, आपको खुद को समझ में आ जाएगा। देखो ट्रेडिंग अकाउंट अपने आप टेली हो गया बच्चा है रे, है ना, ये बाजू जीपी ये बाजू क्लोजिंग स्टॉक अपन ने वर्किंग किया था रे 34,500। बेटा ऐसा क्वेश्चन कभी बनता नहीं, अभी बना दिया तो ज़बरदस्ती मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सॉरी मज़ा नहीं आता, बच्चे लोग भी इसमें से क्या सीख पाएंगे, ऐसे होता नहीं है। चल भाई ठीक है ट्रेडिंग को उड़ा दे, ख़त्म हो गई स्टोरी, स्टार्ट प्रॉफिट एंड लॉस टोटल मार, खुद टोटल मार, प्रॉफिट एंड लॉस टोटल करना रे। विच साइड मोर चेक इट क्रेडिट मोर, दिख रहा है क्या, मार मार टोटल मार, मैं तेरे लिए रुकता हूं बच्चा कि तू शांति से करे, फुल 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 टाइम इज देयर
36,000 आराम से कर। और अभी ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, चल भाई 36,000 प्रॉफिट ढूंढ, 0,0,0 समझता है ना, लास्ट जीरो वो मेरे, कोशिश करता हूँ वो मिल जाए तो मार्कर। चल जीरो 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 दिख रहा है ना, जीरो 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 ऐसा, नेक्स्ट जीरो 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 पाँच पाँच पाँच, आई वॉन्ट जीरो, पाँच प्लस पाँच, फाइव प्लस फाइव टेन का जीरो कैरी वन। देखा क्या, एक दिखता है ना येलो, टेन का थोड़ा और डार्क कर लो क्या, टेन का जीरो कैरी वन, वन्ना ये मिट जाएगा रे, वन्ना एंड फाइव, सिक्स एंड फाइव, इलेवन एंड फाइव, सिक्सटीन एंड टू, एटीन आई वांट जीरो, एटीन प्लस टू, ट्वेंटी का जीरो कैरी टू, ट्वेंटी का जीरो कैरी टू, टू एंड टू फोर, एंड दिखता ना बच्चा, टू एंड टू फोर एंड फाइव नाइन एंड टू, इलेवन एंड वन ट्वेल्व एंड सिक्स एटीन एंड टू ट्वेंटी, दिखता है क्या, ट्वेंटी आई वॉन्ट सिक्स, ट्वेंटी प्लस सिक्स कर ले, ट्वेंटी सिक्स का सिक्स कैरी टू, कैरी टू, टू एंड वन थ्री, सिक्स थाउजेंड टू फिफ्टी, दैट्स इट। बेटा कोशिश किया तेरे लिए ये सब, हाँ पेंटिंग वगैरह करके, आ जा वापस अपन जहाँ थे। चलो हाँ 6,250 दिस इज माई प्रॉफिट। कौन है दूसरा पार्टनर, उसका नाम नीचे लिख नानी, उसके ऊपर लिख नाना। रेशियो क्या है रे, इक्वल वन वन, छ हजार दो सौ पचास को दो से डिवाइड कर, कर तू ना ना नानी, सिक्स थाउजेंड टू फिफ्टी, तीन हजार एक सौ पच्चीस यार, तीन हजार आधा करने का जमता है कि नहीं यार, तीन हजार एक सौ पच्चीस ट्रांसपोर्ट पार्टनर्स कैपिटल ऑन द क्रेडिट साइड। चलो जी इन पार्टनर्स कैपिटल बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, तीन हजार एक सौ पच्चीस ले, तीन हजार एक सौ पच्चीस ले, टोटल कीजिए, मौजा लीजिए, आनंद लीजिए बंदो, 53,125 वो इच केरी डाउन रे, वो इच केरी डाउन रे, बड़े आराम से बच्चा। रेडी, इसको ट्रांसफर कर, कहाँ ट्रांसफर करेगा, 53,125 बैलेंस शीट लावड़ी पार्टनर्स कैपिटल, ना ना नानी
53125 53125 आ जा रे टोटल कर ले आउटर ले रे। ₹1,06,250 एंड प्लीज टोटल बाय योर ओन आना चाहिए भाई, मैं जान मुझ के तेरे लिए छोड़ता हूँ, कर ले। अरविंद दास के लिए हो जाएगा, घबराने का नहीं। करकार ओवर, दैट्स इट, रिपीट करते रहना, काम करते रहने का बाबू।